बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हाजिर है एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। और आज आपका भाई आ चुका है एक्वा फिश वर्ल्ड के ऊपर, जिसके ऑनर है तारिक भाई। और आज हम इनसे पूछेंगे कि काफी कलरफुल फिशेज जो है वो इन्होंने माशाल्लाह अपनी शॉप के अंदर रखी हुई है। शॉप की लोकेशन मेन भटा चौक है, थोड़ा एयरपोर्ट और जाते हैं तो इनकी शॉप आती है। तो रीड जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। माशाल्लाह एक बड़ा पुरसकून सा जो है वो शॉप है। और अगर एक मेरी मॉबी के कोई दोस्त इसमें मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी कमेंट में बताइएगा कैसा शॉप है, क्योंकि मैंने जितने भी इस हॉबी के दोस्त देखे हैं वो एडिक्टेड होते हैं फिशेज के साथ। तो मजीद तारीफ ऐसी पूछती है कि इनके पास कौन कौन सी फिशेज अवेलेबल है। अगर आप हमारा फेसबुक पेज देखते हैं तो पेज को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पेज और अच्छे अच्छे सेटअप की और फूड की वीडियो अगर आप देखते हैं तो एक तमाम कॉन्टेंट सिर्फ आपको आपको भाई के चैनल पर मिलने वाला है, जिसमें आपको बर्ड्स भी मिलेंगे, फूड भी मिलेगा, सब मिलेगा। जी सामने को तारिक भाई क्या हाल चाल है? बड़े मस्त होके जो है वो अब देख रहे हैं, क्या सीन है? बड़ी बहुत अच्छी मछलियाँ हैं भाई जान। ये मेरे शौक से मैंने ये कारोबार किया है। अच्छा, इसी वजह से ये कारोबार, इसी वजह से मुझे 15-20 साल हो गए करते हुए। ये मछलियों को देख रहा हूँ कैसे घूम रही हैं। अच्छा, कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह। 15-20 साल हो गए तारिक भाई? 15-20 साल हो गए हमें ये काम करते हुए। पीछे तो शौक कितनी देर से है? ये शौक मुझे जब से आया तकरीबन 25 साल से आया इसका शौक। अच्छा, शौक की वजह से ये शुरू से यही काम करता आ रहा है। यानी के तकरीबन 25 साल का शौक है और 15-20 साल से लोगों को शौक करवाया जी। हाँ, लोगों को शौक, ये लोग आते हैं माशाल्लाह, उनका भी शौक करवाते हैं, हमारा भी शौक है। और ज्यादा अच्छा, नई वैरायटी लाते हैं हम, अच्छी ये भी अच्छी है इसकी वैरायटी जो ये है। ये कौन सी मछलियाँ तारिक भाई? ये सारे डायमंड कुई पड़ी हुई है, इसमें शार्कें पड़ी हुई हैं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ और भी फिशेज पड़ी हुई हैं हमारे पास। ठीक है तारिक भाई, एक्वेरियम भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, हम खुद बनाते हैं ये, बाहर से इम्पोर्ट करके छोटी लाते हैं फिर इनको बड़ी करते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे शौक से हुई है, मैंने खुद बड़ी करी। माशाल्लाह, ये शार्कें जो है ये छोटी थी, ये अब बड़ी हो गई है। अच्छा, तो तारिक भाई इसका मैं देख रहा हूँ एक्वेरियम का ग्लास एक बड़ा ना अजीब सा मतलब लग रहा है, ये कोई स्पेशल ग्लास एक्वेरियम का? इम्पोर्टेड है और लोकल भी हम बनाते हैं, ये इम्पोर्ट किया हुआ है, ये ग्लास राउंड में है ये। ठीक है, तो ये कितने का है इस टाइम एक्वेरियम ये वाला? ये है एक्वेरियम घर 4.5 लाख रुपए का है, इसमें और भी पड़े हुए हैं मेरे पास, 1 लाख का भी है, 80,000 रुपए का भी है। ठीक है, 12,000 रुपए का भी है, 14,000 का भी है, 6,000 का भी है, मुख्तलिफ प्राइस है इनकी। ठीक है, तो थोड़ा खूबसूरत फिशेज नजर आ रही है। कौन कौन सी ब्रीड में इस टाइम आपके फिशेज अवेलेबल है? माशाल्लाह 30-40-50 वरायटियाँ पड़ी हुई है अभी ऐसे जो इम्पोर्टेड फिश है। ये ब्लू कलर में है ये मछलियाँ। ठीक है, सिकलेट इसको कहते हैं, सिकलेट कहते हैं, पैरेट होती है ये, दूसरा कलर वाली मछलियाँ ये बैर से ही आती है, थाईलैंड से आती है। अच्छा, ये थाईलैंड की ब्रीड है। ठीक हो गया, हमारे पास पड़ी हुई है, ये भी हमारे पास पड़ी हुई है, एंजल फिश इसको कहते हैं। ठीक हो गया, पड़ी हुई है, पैरेट है, इसमें काफी वरायटी है, प्योर टैट्रा वगैरह की वरायटी। अच्छा, ये जो इस टाइम हमारे पास पैरेट है जी जी, ये इस टाइम इसकी कितनी है? जब माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ साइज होगी 4 से 5 साल की है ये। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, साइज भी आता है हमारे पास। ठीक है, और ये इसके बिल्कुल साथ जो है वो मैं देख रहा हूँ ये ब्लैक मोर मेरा। हाँ जी जी, हाँ ये ब्लैक मोर है, ये रेड कैप पड़ा हुआ है। अच्छा, नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद अगर मेरे कैमरामैन साहब आपको दिखा सके तो ये ऊपर हमारे पास काफी सारी कलरफुल और बड़े मजे मजे की इसमें कलर्स में फिशेज पड़ी है, इनका जरा तारिक भाई से पूछते हैं। ये हमदा भाई, ये भी इसमें कलर टेट्रा है, न्यू टेट्रा है इसमें, और गप्पीज है, ये 5-6 वैरायटियां इसमें पड़ी हुई है। ठीक है, यानी मिक्स है ये? हाँ जी, मिक्स फिशेज हैं कलर वाली। ठीक है, ये भी बाहर से इम्पोर्ट होके आती हैं। माशाल्लाह, हमने ये शुरू से यही कारोबार किया हुआ है। अच्छा, नाइस, गोल्ड फिश पड़ी हुई है हमारे पास। अच्छा, ये गोल्ड फिश है नाजरीन, ये देखिए माशाल्लाह, ये अभी छोटे साइज में है। ये शार्क जो आपको बड़ी दिखाई थी ना जी, जी। उधर दिखाई है, ये ही छोटी है, इसी साइज अच्छा, में मैंने उसको पाला हुआ, इतनी बड़ी हो माशाल्लाह, यानी कि ये इतना ज्यादा साइज जो है वो गेन कर जाती है। जी जी, इंशाल्लाह ये कर जाए, 1 से 1.5 फुट तक कर जाती है। इसी के साथ नाजीन, अगर हमारे कैमरा मैन साहब आपको दिखा सके कि इस टाइम हमारे पास बड़ी खूबसूरत कलर्स में जो है वो फाइटर फिशेज भी रखी है, इसको बेसिकली अलहदा रखना पड़ता है क्योंकि ये बाकी मछलियों के साथ लड़ती है। बट अगर हम इसकी ब्यूटी की बात करें
तो आई कांट एक्सप्लेन इट्स ब्यूटी इन वर्ड्स, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके फिन्स और कलर्स इसमें माशाल्लाह तारीफ भी। ये कौन सी मतलब के किस कंट्री की फिश है बेसिकली? ये सारा है थाईलैंड की होती है, फैटर होती है। ये आपस में मेल जो दो है नहीं, आपस में नहीं रहते, मेल फीमेल, यानी कि इसकी फीमेल इतना खूबसूरत नहीं होती जितना मेल खूबसूरत होता है। ठीक है। इसमें मुख्तलिफ कलर में क्वालिटी का फैटर है माशाल्लाह, अच्छी क्वालिटी इसमें क्वालिटी आती है। ओके, यानी कि इनमें भी ब्रीड्स में भी आगे जी इसमें भी आती है। ठीक हो गया। इसी के बाद ये नीचे हमारे पास इसमें कौन सी पड़ी है तारे भाई? भाई जान हमसा भाई ये पड़ी हुई है, इसमें प्लेटी भी पड़ी हुई है, मूलिद भी है। ठीक है। ये हर मंथ बाद ब्रीड भी करती है, इनका पता चल जाता है, काफी फिशेस का पता चल जाता है, किसी का नहीं चलता मेल फीमेल। तारे भाई अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर हमारे कोई दोस्त को भी इसके अलावा फिश चाहिए हो तो वो प्रोवाइड कर देंगे। जी 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 कर देंगे। हमारा नंबर है जी एक्वा फिश वर्ल्ड 0300-457-9049 तो कॉन्टेक्ट करो, लोकेशन मेन भट्टा चौक एयरपोर्ट रोड है, आ जाओ और अपनी पसंद की फिशेज लो और अपना एक खूबसूरत एक्वेरियम डेकोरेशन के लिए लें और अपना शौक शुरू कर सकते हैं और बड़ा पुरसकून सा शौक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार फिर लाजमी कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त अपने भाई हमजा बेग को इजाजत दीजिए, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।